सतनाम श्री वाहे गुरु, 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 सतनाम श्री वाहे गुरु। एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मर्दाना। एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मर्दाना। एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मर्दाना। एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मर्दाना, दूजा रबाबी मर्दाना, अकाल रूप, दूजा रबाबी मर्दाना। एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मर्दाना। सतनाम श्री वाहे गुरु, 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 सतनाम श्री वाहे गुरु। एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मर्दाना। एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मर्दाना, दूजा रबाबी मर्दाना, दूजा रबाबी मर्दाना। एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मर्दाना। एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मर्दाना। फिर बाबा गया बगदाद नू, फिर बाबा गया बगदाद नू, बाहर जाए किया अस्थाना, बाहर जाए किया अस्थाना, बाहर जाए किया अस्थाना, बाहर जाए किया अस्थाना। एक बाबा अकाल रूप, एक बाबा अकाल रूप, एक बाबा अकाल रूप, एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मर्दाना, दूजा रबाबी मर्दाना, दूजा रबाबी मर्दाना, दूजा रबाबी मर्दाना। जी एक बाबा अकाल रूप, दूजा रबाबी मर्दाना। एक बाबा सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सतनाम श्री वाहे गुरु, सारे जप सतनाम श्री वाहे गुरु,
सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु, समान गोवा जहाना सुन मुन नगरी पई देख पीर भया घेराना देख पीर भया घेराना एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना जप एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना सतनाम श्री वाहेगुरु सतनाम श्री वाहे जप वेखे ध्यान लगाए कर एक फकीर वड़ा मस्ताना पूछिया फिर के दस्तगी फकीर किसका गरगाना नानक कल विच आया नानक कल विच आया नानक कल विच आया नानक कल विच आया जी नानक कल विच आया नानक कल विच आया फकीर को पहचाना रब फकीर को पहचाना रब फकीर को पहचाना रब फकीर को पहचाना तरते आकाश चहूं दिस जाना 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 जीक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक जपो धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक धन गुरु नानक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मरदाना दूजा रबाबी मरदाना
अकाल रूप आप नारायण कलातार जग में परवरियो अकाल रूप सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्व कला बन आई प्रगट भई सगले जुग अंतर गुरु नानक की वडियाई अकाल रूप सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी तुन जग चानन होवा अकाल रूप तिन बेदियन की कुल बिखे प्रगटे नानक राय सब सिखन को सुख दे जैते पहे सहाय अकाल रूप अख श्री एक बाबा अकाल रूप दूजा रबाबी मर्दाना मर्दाना उस वेले भी नाल सी जिस वेले बाबे ने आख्या मर्दानिया रबाब छेड़ बाणी आई है बगदाद दी धरती शहरों बार धन गुरु नानक पातशाह एक छायादार वृक्ष तले बैठे मर्दाने जिस वेले रबाब वजाया ते गुरु नानक पातशाह दा इलाही गला खुलिया जिस वेले धन गुरु नानक पातशाह बोलदे सन वृक्षां ते बैठे पंछी भी बोलदे सन जल दे कतरियां विचों भी आवाज आउंदी सी बगदी नदी दे जल दे कतरियां विच्चों वाज ओ जिड़े रुख सन उना विच्चों भी रस चौन लग पैंदा सी धरती आकाश गूंज पैंदा सी जिस वेले धन गुरु नानक पातशाह बोल दे सन जिस वेले बाबा बोलिया दित्ती वांग नू आज कर सुन समान होवा जहन भाई साहब कहिंदे ने सुन मुन नगरी पई देख पीर भया हैराना उत्थे दा जेड़ा वड्डा पीर सी ना दस्तगीर हैरान हो गया आख्या शरा दे उल्ट इत्थे गाना बजाना मना है ते फिर आए पीर दे बंदे हथां विच पत्थर लैके धन गुरु नानक पातशाह नू पत्थर मारन जिस वेले बावां उच्चियां कीतियां पत्थर मारन वास्ते साहब ने नदर कीती बावां उत्थे ही सुक गई बावां विच रोई ना रही मर्दानियां जिहड़ा गुरु वल मंदी नदर लै के आउंदा उहदा इही हाल हुंदा उह समझ गए बाबा करामात वाला हथ जुड़ गए सब दे जिवें सन किवें ते फिर अरदास कीती बाबा सी सब भुल गए गुरु नानक आख्या तुसी भुले ते मैं बख्शी फिर राजी हो गए एक नदर विच दस्तगीर बाबा आया गुरु नानक नाल मुलाकात कीती आखदा नानक तू बड़ी करामात वाला है पर तेरी बाणी आखदी है लख पाताल ते लख आकाश पातालां पाताल लख आगासा आगास ते असी तां सत ते पाताल सुने सत आकाश सुने तू लखां दी गल करना गुरु नानक बोले जिसने जितना वेख्या होवे उतने दी गल करदा है सत सिंह जपो श्री एडे लख पाताल ते आकाश सन फिर दिखा भी सकने बाबा बोलिया क्यों नहीं दिखा सकदा पीर दा पुत्र बैठा सी आख्या मीट अखां जां उसने अखां मीटियां ते बाबे ने एक अख फुरक विच सब दिखलाई अख बंद करन ते खोलन जिड़े समय विच धन गुरु नानक पातशाह जी ने कई पाताल ते आकाश कई पुरियां दी सैर पीर दे पुत्र नू करा दित्ती अख श्री ते वापसी ते पर कच कोल प्रसाद दा दुरों पतालों लई कढ़ाई आख्या नाल प्रसाद भी इत्थों दा लै चलिए जिहड़ा वरत रहा
ते पीर दा पुत्र की तकदा जिस पुरी विच गुरु नानक साहब जी गए उत्थे धन गुरु नानक पातशाह दियां जय जयकारां हो रही। शिवपुरी ब्रह्मपुरी इंद्रपुरी नेचल कोई थां ना है, कोई थां ऐसी नहीं जिथे गुरु नानक दी जय जयकार नहीं हो रही। ते जिस वेले वापस आए पीर दा पुत्र पुछदा जी कितना समा बीत गया, साहब कहण लगे अख खोलन ते बंद करन जितने समय, अख श्री निरंकार भी इतने समय विच सृष्टि बना भी सकदा ते मिटा भी सकदा, ते धन गुरु नानक पातशाह आप ही तो निरंकार सन, अख श्री आप नारायण कला तार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल कर। जिस वेले प्रसाद लियाए ते आख्या हुण वरता अपनी हथी साध संगत ओकड़ा प्रसाद, जिस जिस खादा सब दे कपाट खुल गए। धन गुरु नानक पातशाह दे घर विच एकड़ा प्रसाद प्रवान है, इस कड़ा प्रसाद नूं बच्चा भी खा सकता है, जवान भी बुढ़ा भी। एक दिन गुरु हरगोबिंद साहब सच्चे पातशाह कोलों एक सिख ने बेनती करके पुछिया, गरीब निवाज गुरु नानक दे घर विच कड़ा प्रसाद ही क्यों प्रवान है, होर भी तो प्रसाद हैं, केलियां दा प्रसाद संतरियां दा प्रसाद, कड़ा प्रसाद नूं ही क्यों प्रवान कीता जांदा। मीरी पीरी दे मालिक गुरु हरगोबिंद साहब जी बोले कड़ा प्रसाद विच तीन पदार्थ पैंदे ने, ये तीनों ही पदार्थ अपने आप नूं मिटा के आए हैं इत्थों तक, ते जिहड़ा अपने आप नूं मिटा के गुरु दे दर ते पहुंचदा ओही प्रवान होंदा है। आख्या कड़ा प्रसाद विच इक तां आटा पैंदा, दूजा खंड पैंदी है चीनी, तीजा घिओ पैंदा है घी, ये तीनों अपने स्वरूप नूं मिटा के आए ने। आ दाणा उगया फिर खेतां विचों कणक दे दाणियां नूं किवें कढ़िया ते फिर किवें उह चक्की विच पीसे ते फिर आटा बने, केड्डी मशक्कत खाली। ते दूजा खंड पहले गन्ना बनिया फिर मिल विच गया फिर उत्थे इदा रस कढ़िया, किवें कोलू विच पीड़िया गया किवें रस निकलिया ते फिर कितने टेंपरेचर ते नू बना के उसदे विचों खंड दे दाने निकले, अख श्री खंड बनी ते कितने निक्के निक्के टुकड़े हो, अपने आप नू मिटाया ना। ते तीजा घ्यो, आख्या घ्यो कित्थों बनदा, दुध विचों, दुध नाल दुध विचों दही, दही विचों फिर मक्खन निकलिया, मक्खन विच्चों फिर मक्खन नूं अग ते तरिया ते विच्चों घिओ निकले। आ तीनों पदार्थां ने अपने आप नूं मिटाया ते जिहड़ा अपने आप नूं मिटा के गुरु दर ते आ के सेवा करदा ओ ही गुरु नानक दे दर ते प्रवान हो जांदा। आ पंज प्यारे कितना कठ सी पर एडे कठ विच्चों साध संगत आनंदपुर साहब दी धरती विच्चों पंज नितरे, कलगीधर पातशाह दे हुक्म विच पंज नितरे, अपना सीस दिता अपने आप नूं मिटाया ते फिर की बने दया राम तो भाई दया सिंह जी सज गए, भाई धर्म सिंह जी सज गए, भाई हिम्मत सिंह जी सजे, भाई मोहकम सिंह जी सजे, भाई साहिब सिंह जी सजे, अख श्री। ते मेरे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी ने की आखिया, खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। मेरे पातशाह कहन लगे इस वास्ते एकड़ा प्रसाद प्रमाण होया कि जेड़े पदार्थ इदे विच पए हन ये अपने आप नूं मिटा के आए। केलियां दा प्रसाद क्यों नहीं प्रमाण, क्योंकि गिरी खा लेंदे न ते छिलका सिट देंदे, संतरा खादा छिलका सिट दिता। आख्या कड़ा प्रसाद विच कोई भी ऐसी शै नहीं जेड़ी सिटन वाली होवे, प्यार वाले तां कड़ा प्रसाद नूं दंदां तले नहीं लियांदे,
ਰਸਨਾ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਖ ਸ੍ਰੀ ਐਡੀ ਐਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅੱਜ ਤਾਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਨੇ ਜੀ ਸੋਇਆ ਦੇ ਅੱਖ ਸ੍ਰੀ ਕਿਉਂ ਹਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹਾਜ਼ਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਰੀਰਕ ਅਸੀਂ ਦੌੜ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਮੋਟਰ ਸਕੂਟਰ ਦਾ ਆਸਰਾ ਵੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਾਜ਼ਮਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪੁਰਾਤਨ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ ਵਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਬਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਸੀ 20 ਮੀਲ ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਘਰ 20 ਮੀਲ 'ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਵੇਖਦਾ ਜੇ ਵੀ ਚਾਬੀਆਂ ਘਰ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਹੱਟੀ 'ਤੇ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਠਹਿਰ ਮੈਂ ਜਰਾ ਘਰੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਆਵਾਂ 20 ਮੀਲ ਫਿਰ ਪੈਦਲ ਆਇਆ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੱਟੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸ੍ਰੀ ਅੱਜ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਈ 1 ਮੀਲ 'ਤੇ ਚਾਬੀ ਰਹਿ ਗਈ ਅਤੇ ਘਬਰਾ ਜਾਏਗਾ ਬਈ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਮੰਗਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜਪੋ ਸ੍ਰੀ ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵਰਤਾ ਬਈ ਹੁਣ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਖਾਧਾ ਉਹਦੇ ਕਪਾਟ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਜਿਤਨੇ ਪੀਰ ਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਡੱਠੇ ਜੇ ਸਿੱਧਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਾਣੀ ਦਾ ਐਸਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਸ ਜਿਸ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਉਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮੁਰੀਦ ਬਣ ਗਿਆ